कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में AICC के आह्वान पर जॉइंट कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सोशल मीडिया अध्यक्ष शिल्पी अरोड़ा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कैंपेन की जानकारी देते हुए प्रीतम सिंह ने बताया कि इस कैंपेन के माध्यम से 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए नंबर भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के लोग और ज्यादा मजबूत हो सकेंगे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। वहीं मौजूद सोशल मीडिया अध्यक्ष शिल्पी अरोड़ा का कहना है कि सोशल मीडिया देश और दुनिया में अपनी एक अहम भूमिका बना चुका है और इस कैंपेन की मदद से ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ सकेंगे। अभी शिल्पी जी ने बड़े विस्तार से कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो कैंपेन यहाँ उत्तराखंड राज्य में हमने प्रारंभ किया है, इसके माध्यम से हम बूथ स्तर पर और बूथ स्तर से लेकर गांव स्तर तक जो है लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमने मिस कॉल जो है वो नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ईमेल नंबर भी दिया है, वेबसाइट भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो परिस्थितियाँ हैं, जिस तरीके से लगातार जो है सोशल मीडिया का दायरा बढ़ रहा है, उस दायरे को देखते हुए हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आम जन तक अपनी पहुंच बनाने का काम करें। कोई लक्ष्य भी रखा गया है? लक्ष्य है, देखिए 5,000 आपने कहा है, लेकिन 5 लाख कहा है, लेकिन 5 लाख से बात नहीं बनने वाली, हम इससे आगे जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा अभियान जॉइंट सोशल मीडिया शुरू हो रहा है, जॉइंट कांग्रेस सोशल मीडिया, और इसमें हम लोगों को बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको सच्चाई के सिपाही बनाया जाएगा, जिससे कि वो भाजपा के दुष्प्रचार का जवाब दे सकें और कांग्रेस की नीतियों का प्रसार कर सकें। प्रदेश में सभी लोगों को रजिस्टर्ड करना है, ये कैंपेन 1 महीना चलेगा और इस टाइम में जो रजिस्टर्ड होंगे उनके इंटरव्यूज लिए जाएंगे और उन सबको एक वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, हमें AICC की तरफ से 5,000 उत्तराखंड से दिया गया है, लेकिन मेरा खुद का टारगेट जो है 1,010 जो कि हमारे 11,010 जो कि हमारे बूथ हैं, 11,010 बूथ हैं पूरे प्रदेश में, हर बूथ पे कम से कम एक हमारा सच्चाई का सिपाही होना चाहिए।